आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी में बर्फीली हवाओं की वजह से अधिकतम तापमान एक झटके में 5 डिग्री गिर गया। ठंड का प्रकोप ऐसा है कि धूप न निकलने से पूरे दिन लगातार गलन भी रही। लखनऊ का अधिकतम तापमान 10.5 डिग्री रहा तो वहीं कानपुर का अधिकतम तापमान 11.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लखनऊ में शाम होने से पहले ठंड और बढ़ गई। इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को कोल्ड डे अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन पांडे सुनील ने बताया कि अभी आने वाले दिनों में मौसम संबंधी और रिकॉर्ड कायम हो सकते हैं। जनवरी महीने में भीषण ठंड का दौर निरंतर जारी रहेगा। शीतलहर के साथ गलन और भी प्रभावी होने की संभावना है। तो मौसम वैज्ञानिक ने यह संभावना जताई है कि पूरी जनवरी ठंड बरकरार रहेगी और कोल्ड डे का भी अनुमान जताया है। वहीं अलग अलग जिलों से ये खबरें सामने आ रही, तस्वीरें सामने आई हैं अलग अलग जिलों की। फतेहपुर, मऊ, लखनऊ, फिरोजाबाद, बस्ती, सभी जगह की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। जहाँ वाहनों की रफ्तार सुस्त नजर आ रही है, कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है और दिन के समय यानी उजाले में भी लोग कोहरे में लाइट जलाकर चलने को मजबूर है। सड़कों पे वाहन कम दिख रहे हैं, घरों से बाहर बाजारों में लोग कम दिख रहे हैं। ठंड की वजह से लोग घर में रहने को मजबूर हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। अलग अलग जगह की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां इस बार उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और ठंड के साथ साथ कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। तो कोहरे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, फतेहपुर, फिरोजाबाद, लखनऊ, बस्ती, मऊ, सभी जगह कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है ठंड के साथ साथ, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी ये ठंड बरकरार रहेगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने भी बताया है कि अभी आने वाले दिनों में मौसम संबंधी और रिकॉर्ड कायम हो सकते हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता कमलेश जुड़ चुके हैं मऊ से। कमलेश, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मऊ में तापमान कितना दर्ज किया जा रहा है आज? इसमें ऑप्शन आ गया तो बैक कैमरा हो जाए, लेकिन नहीं आवाज आ रही है हमें संवाददाता की। और लगातार अलग अलग जगह से जिस तरह से मौसम की तस्वीरें सामने आ रही है, कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है और हम ये देख रहे हैं कि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, जो पारा है वो गिरता जा रहा है और मौसम संबंधी रिकॉर्ड कायम होते जा रहे हैं। पूरी जनवरी इस तरह से ठंड रहने की आशंका जताई जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मऊ से जुड़े हुए हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि मऊ में आज कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है? मैडम शिखा, हम आपको बता दें कि यहाँ 11 सेल्सियस तापमान डिग्री से भी कम यहाँ इस समय है और जहांगीरों को आने जाने में बहुत काफी और दिक्कतें हो रही है। जी सुनील, जिस तरह से हम पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं लोग काफी कम दिखाई दे रहे हैं, कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है, तो किन परेशानियों से जूझ रहे लोग? बहुत मैम, इतना आपको बता दें कितना तापमान यहाँ कम हो चुका है, जो आने जाने घर से लोग निकलना बहुत मुश्किल का सामना कर रहे हैं। जी अलाव की व्यवस्था कितनी देखने को मिल रही है? नगर निगम कितना एक्टिव नजर आ रहा है? नगर निगम अलाव जगह जगह अलाव और व्यवस्था लगी हुई है, जगह जगह अलाव चल रहा है और जलाया जा रहा है। नगर पालिका इसमें सक्रिय एकदम है जी। और कहीं कहीं देखा जा रहा है बाजारों में अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है और ना अलाव का ध्यान कोई दे रहा है। जी तो लोग खुद को ठंड से बचाने के लिए क्या कुछ उपाय अपना रहे हैं और साथ ही रैन बसेरों का क्या हाल है? रैन बसेरों का देखा जा रहा है तो रैन बसेरों जो यहाँ बहुत कोई अच्छा नहीं है, सब खिलाड़ी चल रहा है और नगर पालिका को उसमें ज्यादा से ज्यादा लापरवाही और रैन बसेरा का ही माना जाए। और जगह जगह जो अलाव की व्यवस्था है उसमें जो अलाव नहीं जलाया जा रहा है, लोग अपने आप लकड़ी जला रहे हैं, घूम घूम के लकड़ी खोज के अलाव अपना व्यवस्था कर रहे हैं। जी तो अगर बात करें रेलवे स्टेशन और बस अड्डों की, तो क्या वहाँ पे अभी भी खुले आसमान के नीचे लोग रहने को मजबूर नजर आ रहे हैं? आज भी रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे वही है कि आज खुले आसमान में भी लोग वहाँ रह रहे हैं और अलाव की व्यवस्था वहाँ नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मऊ से जुड़े थे। तो ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और
तस्वीरें देख सकते हैं आप, कोहरा कितना छाया हुआ है, और कोहरे की वजह से और धूप ना निकलने की वजह से पूरा दिन कोहरा रहता है, गलन की वजह से लोग परेशान हैं, आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, लोग घर में रहने को मजबूर है, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, लाइट जला के चलने को मजबूर लोग नजर आ रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने कल बारिश की संभावना भी जताई है कि कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश भी हो सकती है और पूरी जनवरी ठंड रहने की संभावना भी जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। फतेहपुर, फिरोजाबाद, मऊ, लखनऊ, बस्ती, सभी जगह की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ठंड अपना कहर बरपा रही है और ठंड की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, बाजारों में लोग नजर नहीं आ रहे हैं। अगर बात करें नगर निगम की तो नगर निगम कहीं ना कहीं सुस्त नजर आ रहा है, क्योंकि दावा तो ये किया जाता है कि हर चौराहे पर अलाव की व्यवस्था है, लकड़ी मुहैया कराई जा रही है, लेकिन अभी भी लोग ठंड में ठिठुरने को मजबूर है क्योंकि अलाव की व्यवस्था नहीं है, रैन बसेरे की भी कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोग या तो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या फिर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको कि उत्तर प्रदेश में ठंड का कितना कहर देखने को मिल रहा है, लोग गिरते तापमान की वजह से घर में दुबकने को मजबूर है, और जो लोग मजबूरी में घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं, निकल रहे हैं या काम की वजह से निकल रहे हैं, तो वो काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं क्योंकि भीषण ठंड पड़ रही है। इस बार जो ठंड है वो देर से शुरू हुई है, लेकिन इसका जो कहर है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, धूप नहीं निकल रही है पूरा पूरा दिन, ठंड और बढ़ती जा रही है, गलन बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं फतेहपुर से। अमरदीप, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, क्या कहेंगे, ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है इस बार? बिल्कुल सही है कि शिखा जी, पहली बात तो यह है कि पूरे भारतवर्ष में इस समय ठंड का प्रकोप जारी है, और इस ठंड के प्रकोप से आप देख सकते हैं कि कितनी बुजुर्ग लोगों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, कोहरा भी गिर रहा है, कोहरे का असर तो ये देखने को मिल रहा है कि जो रोडें बराबर पूरी तरीके से चल रही थी, आज वो रोड जो है सुनसान स्थिति पे हो गई है, और ठंड के प्रकोप की अगर हम बात करें तो इतनी ज्यादा ठंड है कि अगर आज के तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस हो गया जाकर, जिसमें कि लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जी अमरदीप, जिस तरह से बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिलती थी और ठंड की वजह से अब बाजार कैसे दिख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इस समय दो स्थितियों से आदमी गुजर रहा है कि एक तो पहली बात तो ठंड, और ठंड के बाद कोहरे का असर, और उसी के साथ में ये जो ओमिक्रॉन जैसी जो है कि भयानक महामारी का जो आगाज हो चुका है, कोरोना जैसी महामारी का आगाज हो चुका है, उससे भी लोगों में जो जागरूकता आई है उस पर भी जो है बाजारों में असर देखने को मिल रहा है। जी तो आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है ठंड में। अगर हम बात करें अलाव की और रैन बसेरों की, तो उनका कैसा हाल देखने को मिल रहा है? देखिए शिखा जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ पर आपने ये अच्छा सवाल किया है कि अलाव और रैन बसेरों की स्थिति को, तो हकीकत तो यह है कि सरकार द्वारा या नगर पंचायत द्वारा या द्वारा जो अलाव जलवाने की बात कही जा रही थी वो पूरी तरीके से जो है जीरो है, ग्राउंड जीरो है, कहीं भी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं करवाई गई है, चाहे वो नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायतों की स्थिति हो। और रही बात रैन बसेरों की, तो रैन बसेरों की स्थिति वही है जो पहले हुआ करती थी, अभी तक तो कोई रैन बसेरों में कोई भी बदलाव नजर नहीं आया है। जी, तो जो लोग किसी काम से या फिर किसी इमरजेंसी की वजह से घर से बाहर निकल रहे हैं, तो वो कैसे परेशानियों का सामना कर रहे हैं? देखिए, जो लोग जो सर्विस वाले आदमी हैं वो तो मजबूरी है उनके उनके सामने मजबूरी है कि उनको अपने बच्चों का पेट पालना है, तो घर से जरूर निकलेंगे, पर अब जिन लोगों को नहीं निकलना है या मजबूरी में निकल रहे हैं तो अपना स्वयं का ही बंदोबस्त करके निकल रहे हैं, हाथों में ग्लव्स होंगे, कानों पे मफलर होगा, इस तरीके से निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमरदीप त्रिपाठी जुड़े थे फतेहपुर से, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से रफ्तार धीमी है, जहां पे गाड़ियां फराटे भरती थी तो वहां पे धीमी रफ्तार में गाड़ियां देखने को मिल रही है, कम गाड़ियां देखने को मिल रही है, बाजार में लोग कम देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ठंड का कहर है, साथ ही साथ कोहरे का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है।
सुबह और शाम कोहरे का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रफ्तार सुस्त हो जाती है। तो काफी असर देखने को मिल रहा है ठंड का, लोग घरों में रहने को मजबूर है। और अगर बात करें व्यवसाय की, तो जितने भी व्यापारी हैं उनके व्यवसाय पे भी खासा असर पड़ रहा है, क्योंकि जब लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं, खरीदारी नहीं कर रहे, तो इसका असर कहीं ना कहीं व्यवसाय पे भी लोगों के पड़ रहा है। तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए। हालांकि सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया है बच्चों को राहत देने के लिए, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे लोग रोज अपने काम पर जा रहे, चाहे कितनी ही ठंड क्यों ना हो। चाहे हम बात करें सुरक्षा बल की, पुलिसकर्मियों की, स्वास्थ्य से कर्मियों की, या फिर तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहां छुट्टी नहीं है और लोग सुबह से शाम तक, चाहे सुबह का समय हो या फिर रात का, देर रात का समय हो, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, सभी काम सुचारू रूप से चल रहा है। अगर बात करें गरीब लोगों की, निराश्रितों की, तो वो भी अपने काम पे निकल रहे हैं, क्योंकि उनको भी अपना जीवन चलाना, अपने बच्चों के लिए वो घर से बाहर निकल रहे हैं। और तमाम मुश्किलों का सामना करने के लिए, करते हुए भी वो अपने काम पे जा रहे हैं। और इस खबर पे अब हमारे साथ हाथरस से संवाददाता मयंक जुड़ चुके हैं। तो हाथरस में कितना तापमान दर्ज किया गया है इस वक्त? हाथरस में लगभग 7 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है और यहाँ पे कड़ाके की भी ठंड पड़ रही है। और यहाँ पे लेकिन ठंड के बाद में लोग अपने घर से। मयंक, अगर बात करें कोहरे की, तो वहां पे कितना कोहरा देखने को मिल रहा है और क्या रोज धूप निकल रही है? जी, यहाँ पे लगभग 2-3 दिन से धूप निकल रही है और मौसम भी थोड़ा खराब है। उसके बाद में यहाँ के जो लोग हैं रोड पे भी नहीं दिख रहे हैं, और एक तो कोरोना का कहर बेकर चल रहा है, और उसके बाद में यहाँ के लोग भी डर गए हैं कि एक तरफ कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ ये ठंड का कहर है, पता नहीं क्या होगा इस। जी मयंक, हाथरस में किस तरह का व्यवस्था देखने को मिल रही है नगर निगम के द्वारा? अलाव की व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी सर, मैंने बताया था कि हाथरस में अलाव तो जल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि रोड पे भी अलाव नहीं है, और जो लकड़ी आए जा रहे हैं होमगार्ड लकड़ी भी लगाते हैं, और पुलिस नगर पालिका कहती है कि हम जगह जगह पे पूरी तरह से लकड़ी डलवा रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो नजारा है वो थोड़ा गड़बड़ा गया है, और यही पता नहीं चलता है कि नगर पालिका क्या कहती है और आला जिम्मेदार अधिकारी क्या कहते हैं, पता ही नहीं चल पा रहा कि हाथरस में इस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो पाएगा, मतलब रह पाएंगे। और जो क्या नाम है, आग जो जलती है वह भी होमगार्ड आपको ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करने के बाद में वह अपनी साइकिल पे ही आपको ले जाते हैं और अपनी व्यवस्था खुद सजा रहे हैं। जी, अगर बात करें मयंक रैन बसेरों की, तो वहां पे कैसी व्यवस्था है? क्या रैन बसेरों में लोगों को जगह मिल रही है या फिर खुले आसमान के नीचे इतनी ठंड में भी रहने को मजबूर है लोग? जी, रैन बसेरे की बात करते हैं कि रैन बसेरा तो कुछ समय पहले था, लेकिन अब यही पता नहीं चल पा रहा है कि रैन बसेरा कहाँ है और रैन बसेरा बनेगा कहाँ, यही समझ में नहीं आ पा रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि कागजों में सारा गोलमाल चल रहा है, रैन बसेरा भी बन चुका है, अलाप भी जल चुके हैं, और जो नगर पालिका और आला जिम्मेदार अधिकारी हैं वह मूर्खता बने हुए हैं कि ना रेन बसेरा होगा या नहीं होगा, समझ में नहीं आ पा रहा है। मयंक, कंबल वितरण की तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं, तो हाथरस में कितना कंबल वितरण देखने को मिला? जी सर, अभी तक कंबल तो वितरण हुआ ही नहीं है, नगर पालिका में यह भी बोला जा रहा है कि कंबल वितरण होगा, सभासद बोलते हैं कि हम कंबल वितरण करेंगे, लेकिन गरीब यही उम्मीद से जगे हुए हैं कि कंबल भी वितरण होगा और जो हमारी ठंड होगी कंबल से भी बच पाएगी, अलाप से बच पाएगी, लेकिन यहाँ अभी सब कुछ गोलमाल चल रहा है। जी, लेकिन मयंक, इस समय तो ज्यादा कंबल वितरण होना चाहिए, क्योंकि चुनाव का समय भी है, ऐसे में जो है जनप्रतिनिधि ज्यादा एक्टिव रहते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे हाथरस में जो जनप्रतिनिधि है एक्टिव तो है, लेकिन कंबल वितरण अभी तक नहीं हो पाया है, और गरीब दिन ब दिन अपनी परेशानियों को लेकर नगर पालिका पहुंच रहे हैं और यह भी बोल रहे हैं कि पहले कंबल वितरण हो रहे थे लेकिन अब नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आखिर में हम भी बहुत परेशान हैं आप ठंड को लेकर। जी, तो आचार संहिता के पहले भी कोई ऐसा वितरण देखने को नहीं मिला है मयंक? जी, अभी तक तो कोई लगता नहीं है कि हमारी जब टीम पहुंचेगी तो हो सकता है कुछ ना कुछ मिलने देखने को मिल जाए। जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मयंक जुड़े थे हाथरस से। तो
तस्वीरें देख रहे हैं आप और इतनी भीषण ठंड में नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है, जो ढुलमुल रवैया है, कहीं पे अलाव की व्यवस्था है तो कहीं पे नहीं है, बहुत कम जगह पे लकड़ियां मुहैया कराई जा रही है, लेकिन वो जो लकड़ियों का हाल हमारे संवाददाता ने बताया कि बहुत थोड़ी लकड़ियां होती हैं और वो जल के आधे घंटे में खत्म हो जाती हैं और जो लोग हैं उनको पूरी पूरी रात अपनी ड्यूटी करनी होती है, चाहे वो होमगार्ड हो या फिर बाकी के लोग हो जो कि सड़कों किनारे रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ खास व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। तो वहीं बाकी जिलों से ऐसी तस्वीरें और खबरें भी सामने आई हैं जहाँ पे भीषण ठंड है, दो दो दिनों से सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं, इसके बावजूद भी अलाव की व्यवस्था नहीं है और ना ही रैन बसेरों का कोई अता पता है, सिर्फ कागजी तौर पर दिखाई दे रहे हैं रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था। बात करी हमने कंबल वितरण की, तो कंबल वितरण का भी कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है, ऐसी खबर हमें हमारे संवाददाता दे रहे हैं कि उन्होंने बताया कि कहीं पे भी कोई कंबल वितरण देखने को नहीं मिल रहा है। तस्वीरें सामने हैं, अलग अलग जगह की तस्वीरें देख रहे हैं आप, और फतेहपुर, मऊ, लखनऊ, बस्ती, फिरोजाबाद, तमाम जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में भी पारा अगर सुबह के समय की बात करें तो 5 से 6 डिग्री के बीच दर्ज किया गया आज सुबह। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग अपने आप को बचाने के लिए ग्लव्स से लेके, मफलर से लेके, कैप से लेके सभी कुछ चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं, उसके बाद अगर काम पे निकल रहे हैं तो उसके बाद भी ठंड का जो एहसास है वो बता रहा है कि तापमान लगातार गिरता जा रहा है। फतेहपुर, फिरोजाबाद, बस्ती, लखनऊ, मऊ, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कितना कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं और लोग मजबूर हैं घर में दुबकने को, लेकिन जो लोग सड़कों पर रह रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। और वहीं बात करें मौसम विज्ञान की, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि कोल्ड डे घोषित कर दिया जाएगा, सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी और बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है, कड़ाके की ठंड का अनुमान जताया जा रहा है पूरे जनवरी भर। अब हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं। अजहर, आज कितना तापमान दर्ज किया गया राजधानी लखनऊ में? बिल्कुल साफ तौर से बता दें, जिस तरह से जो तापमान में गिरावट है वो देखने को मिल रही है बीते दिनों, और खास अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो जो अधिकतम तापमान है वो लगभग 15 के आसपास और न्यूनतम तापमान 6 के आसपास रहा है। वहीं सुल्तानपुर की अगर बात करें तो वहां पे जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 4 पहुंच गया है, और खास तौर पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है वहां पर ठंडी पश्चिमी हवाओं की वजह से, पश्चिमी शीत लहरों की वजह से काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है और काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आम जनता जो है उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, रोडों पे काफी सन्नाटा पसरा हुआ है और जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी, तो नगर निगम की क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है? जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अपने संवाददाता से भी बात करी, सिर्फ कागजी तौर पर देखने को मिल रही व्यवस्था, वो चाहे रैन बसेरे हो या फिर अलाव की व्यवस्था, लकड़ी नहीं मुहैया कराई जा रही है, लखनऊ में कैसी व्यवस्था है अजहर? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरह से बात की जाए, नगर निगम तमाम तरह के जो दावे हैं वो पूरी तरह से कर रहा है कि तमाम जो रैन बसेरों में अलाव के इंतजाम है, लकड़ियों के इंतजाम है, कंबल के इंतजाम है, वो किए जा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ कुछ जगहों पे देखा जाए तो कहीं कहीं व्यवस्था ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आउटर एरियाज हैं वहां पर इस तरह की जो सुविधा है वो वहां से जो लोग हैं वो उनको नहीं अलाव मिल पा रहे हैं और तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो नहीं मिल पा रही है, इससे लोगों को दिक्कतों का भी काफी सामना करना पड़ रहा है। जी जी, तो अजहर, क्या ठंड की वजह से मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं? नहीं, फिलहाल जिस तरह से देखा जाए कि जो कोरोना है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ठंड भी है, तो इससे मौसमी जो बीमारी है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिले, लेकिन फिलहाल इस तरह से कोई आंकड़ा अभी नहीं सामने आया है कि ठंड से काफी लोग मर रहे हो। हाँ, लोग प्रभावित जरूर है, परेशान जरूर है, बीमार जरूर हो रहे हैं, नजले जुकाम बीमारी जो इसके वायरल केसेस हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस तरीके से अभी कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है कि लोगों की मौत हो ठंड की वजह से, लेकिन फिलहाल अभी मौसम विभाग का जिस तरह से कहना है तो आने वाले 2 दिनों तक के मौसम इसी तरह बरकरार रहेगा और 20 तारीख के बाद से बारिश होने की भी संभावना है, तो लगभग पूरा जनवरी की अगर हम बात करें तो मौसम इसी तरह बना रहेगा, बारिश और धूप इसी तरह से मौसम बना रहेगा। तो अभी फिलहाल राजधानी या उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश वासियों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अजहर खान जुड़े थे लखनऊ से।
तो ठंड का प्रकोप भावना भी जताई जा रही है और रफ्तार इस वक्त धीमी पड़ गई है ठंड की वजह से, और ठंड की वजह से कोहरा भी काफी देखने को मिल रहा है और कोहरा लोगों को काफी प्रभावित भी कर रहा है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और मौसम विभाग ने कहा है कि 21 और 22 जनवरी को बारिश होगी, कोल्ड डे भी रहेगा। ठंड का प्रकोप लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है, अलग अलग जगह की तस्वीरें भी सामने आई है। दो दिन का जारी रहेगा कोल्ड डे, तो बारिश के बाद मौसम में कुछ बदलाव आ सकता है, ये ठंड बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है, इसका अनुमान अभी नहीं लगाया गया है, लेकिन बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो लोग इस वक्त काफी परेशान है, मजबूर है घर से बाहर निकलने को, लेकिन ठंड काफी परेशान कर रही है लोगों को, आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। काफी क्षेत्रों पे इसका असर पड़ रहा है ठंड का, व्यवसायों पे और रफ्तार पे, लोगों की रफ्तार धीमी होती नजर आ रही है। तो वहीं जो नगर निगम की लापरवाही है वो भी देखने को मिली है, अलाव की व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। कहीं कहीं पे तो अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है नगर निगम की, लेकिन कहीं पे काफ़ी बुरी व्यवस्था भी देखने को मिल रही है, जहां लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है लकड़ियां। वहीं सुबह भी हमने एक खबर चलाई थी, प्राइम टीवी ने खबर चलाई थी, जिसमें एक होमगार्ड कांग्रेस कार्यालय के बाहर से अलाव की लकड़ी लेकर आया था और अपनी ड्यूटी वाले स्थान पर वहां पे लाके उसने उसे जलाया और ठंड से बचने की कोशिश की थी। तो ठंड में हमने ये भी देखा कि खुद ही प्रबंध करते हुए नजर आ रहे हैं लोग, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है। तो ये बता रहा है, ये तस्वीरें और ये खबर बता रही है कि कितनी बुरी व्यवस्था देखने को मिल रही है नगर निगम की। सिर्फ कागजी तौर पर रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था कर देना, कंबल वितरण की बात कह देना, लेकिन जमीनी तौर पर इसकी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, ठंड रहेगी, 21 और 22 जनवरी को बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लखनऊ का अधिकतम तापमान 10.5 डिग्री रहा है और कानपुर का अधिकतम तापमान 11.6 डिग्री रहा है। वहीं लखनऊ का न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 से 6 डिग्री के बीच में रहा है और लखनऊ में शाम होने से पहले ही ठंड बढ़ जाती है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। और इस बीच मौसम विभाग ने भी मंगलवार और बुधवार को कोल्ड डे अलर्ट जारी कर दिया है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संजीव जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से, संवाददाता संजीव, कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है नगर निगम द्वारा? देखिए, नगर निगम द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, अलाव की व्यवस्था की नहीं गई है, रैन बसेरों की व्यवस्था सही तरीके से की नहीं गई है। लोग बहुत ज्यादा परेशान है और आज फिरोजाबाद का जो टेम्परेचर रहा है वो 6 डिग्री सेल्सियस रहा है। जी, अलाव की व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है? नहीं, अलाव की व्यवस्था कहीं देखने के लिए मिल ही नहीं रही है, केवल फिरोजाबाद के बस स्टैंड को छोड़ दिया जाए, बाकी स्थानों पे अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। जी, अगर कागजी तौर पे बात करें तो कागजी तौर पे कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगी? कागजी तौर पे पूरे फिरोजाबाद में नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर ग्राउंड पे जाके देखा जाए तो कोई अलाव की कोई व्यवस्था है नहीं, केवल बस स्टैंड फिरोजाबाद का एक ऐसा इलाका है जहाँ अलाव जलता हुआ मिल जाएगा, वरना पूरे फिरोजाबाद में कहीं भी जलता हुआ अलाव नहीं मिलेगा आपको। रैन बसेरों की बात करें तो कितने रैन बसेरे देखने को मिल रहे हैं फिरोजाबाद में? लगभग 10 रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, लेकिन जितने भी रैन बसेरे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। जी, अगर संजीव बात करें रैन बसेरों की, तो एक रैन बसेरे में कितने व्यक्ति रह रहे हैं? देखिए, एक रैन बसेरे में 100 व्यक्तियों से ज्यादा के रहने की व्यवस्था की गई है, लेकिन प्रशासन ने इतनी कम व्यवस्था की है कि उनमें 200-300 लोग तक एक एक रैन बसेरे में रह रहे हैं। लगभग 300 लोग एक रैन बसेरे में रह रहे हैं, जबकि कोविड काल चल रहा है और तेजी से कोरोना के संक्रमण फैल रहे हैं, तो ये व्यवस्था देखने को मिल रही, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कोविड काल चल रहा है, लेकिन कोविड काल में लोगों की जिंदगी के साथ में नगर निगम लगातार खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि इतनी व्यवस्था नगर निगम द्वारा नहीं की गई है और कड़ाके की सर्दी और शीतलहर जारी है। जी, और कंबल वितरण की बात करें तो कितने कंबल वितरित किए गए हैं अभी तक इस ठंड में?
नहीं, मेरे संज्ञान में इस तरीके का अभी कंबल वितरण का कोई मामला नहीं आया है। सुखाबाद में एक मामला कंबल वितरण का एक राजनीतिक दल द्वारा जो आया था उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ FIR करा दी गई है। जी संजीव, बात करें ठंड की तो कितने दिनों से सूरज नहीं निकला है और कोहरे का क्या मिजाज है? दस दिन से ज्यादा का समय होने जा रहा है, शीतलहर चल रही है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है, कोहरा बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कोहरा है कि मेरे पीछे NS नंबर 2 है। लगातार मैंने सुबह प्राइम टीवी को तस्वीरें भेजी थी कि लगातार हाईवे पे जो वाहन है वो रेंग रहे हैं, हेडलाइट का उपयोग करना पड़ रहा है उनको। जी तो क्या अभी हाल ही में कोई ऐसी खबर आई है कि कोहरे के वजह से कोई हादसा या दुर्घटना हुई हो? नहीं, अभी तक तो फिरोजाबाद में कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है कोहरे की वजह से, सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संजीव जुड़े थे फिरोजाबाद से। तो खबरें सामने आ रही हैं जहां पे गाड़ियां हाईवे पर रेंगती हुई नजर आ रही है, जहां पे फर्राटेदार रफ्तार भरती हुई नजर आती है, गाड़ियां कोहरे की वजह से रेंग रही हैं, लाइट जलाने को मजबूर है। और नगर निगम की व्यवस्था जो देखने को मिली फिरोजाबाद में, जो हमारे संवाददाता ने हमें जानकारी दी है, बस स्टैंड के अलावा कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है और रैन बसेरे जो बनाए गए हैं वहां पे ज्यादा लोगों की संख्या देखने को मिल रही है, जितने लोगों की वहां पे मौजूदगी होनी चाहिए उससे दो गुना ज्यादा लोग वहां पे मौजूद नजर आ रहे हैं। तो रैन बसेरों की संख्या कम है लेकिन उसमें लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोदी का यह पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा जिसमें वो 10,000 बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बढ़ते संक्रमण के चलते चुनावी राज्यों में अपनी रैलियों और महिला मैराथन को बंद करके पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज से वर्चुअल अभियान शुरू करने जा रही हैं। यह कार्यक्रम आज दोपहर 4 बजे से शुरू होगा। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी लाइव कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश देंगी। यह कार्यक्रम फेसबुक पार्टी के YouTube पेज और सोशल मीडिया हैंडल पर प्रसारित होगा। तो आज BJP और कांग्रेस दोनों ही वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे, जहां कांग्रेस आज 4 बजे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, वो चाहे कांग्रेस का फेसबुक अकाउंट हो, पार्टी का YouTube अकाउंट हो या फिर सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव जाके इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। प्रियंका गांधी खुद अपने कार्यकर्ताओं के बीच आके उन्हें जीत का मंत्र देंगी और आने वाले चुनावों के लिए किस तरह से रणनीति बनानी है दिशा निर्देश देंगी। और साथ ही साथ BJP भी आज वर्चुअल माध्यम से PM मोदी खुद अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, खासतौर से काशी के कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आएंगे वर्चुअल माध्यम से। इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर खान जुड़ चुके हैं। अजहर, आज BJP और कांग्रेस दोनों ही वर्चुअली रूप से जुड़ने वाले हैं, इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल शिखा, साफ तौर से जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने तमाम तरह की रैली और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया था पूरी तरह से 22 जनवरी तक, तो वही तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार वर्चुअली मीटिंग्स करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वही बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की, तो इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी ने 8 जनवरी से शुरुआत इसकी कर दी थी और इससे पहले भी प्रियंका गांधी वर्चुअली माध्यम से कार्यकर्ता पदाधिकारियों से वर्चुअली माध्यम से मीटिंग कर चुकी हैं और ये पहली बार होगा कि प्रियंका गांधी वर्चुअली माध्यम से जनता से जुड़ेगी और जनता उनसे सवाल भी पूछ सकती है। तो ये अपने फेसबुक लाइव पेज से प्रियंका गांधी तमाम जो जनता कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ता हैं सबको संबोधित भी करेंगे और सबके साथ जुड़ेंगे भी। और वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जब जिस तरह से ये निर्वाचन आयोग का जो ये फैसला आया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ने आदेश दे दिया था कि जो कार्यकर्ता है वो डोर टू डोर जाकर तमाम सरकार की जो
परियोजनाएं हैं, जो उपलब्धियां हैं वो लोगों तक जाकर बताएं। तो वहीं अगर ये पहली बार होगा कि वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी तमाम जो वाराणसी के कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे और उनको जिस तरह से सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक बताने की बात कही जाएगी और 2022 के चुनाव की क्या कुछ रणनीतियां होंगी, किस तरह से प्रचार प्रसार करना है, वो तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज कार्यकर्ताओं को से बात करेंगे और दिशा निर्देश जारी करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अजहर खान जुड़े थे। तो आज काफी अहम दिन है क्योंकि आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही वर्चुअली माध्यम से जनता से जुड़ने वाले हैं, अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। जहां पीएम मोदी आज कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगी तो वहीं प्रियंका गांधी भी अपने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जाएंगी, अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों से संवाद करेंगी प्रियंका। तो वहीं पीएम मोदी भी अपने कार्यकर्ता खासतौर से काशी के कार्यकर्ताओं से आज संवाद करते नजर आएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।